सो ही गाइस वेलकम बैक सभी को। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैं अभी ऑल लिमिटेड बॉनफायर यूज कर रहा हूँ एंड मुझे जोन का डैमेज भी नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ कैसे हो रहा है एंड कैसे आप लोग भी कर सकते हो एंड अभी के टाइम पे आप लोग बहुत सारे वीडियोस के अंदर या फिर लाइव स्ट्रीम के अंदर देखे होंगे इस तरह का यूट्यूबर्स वगैरह करते या फिर अलग अलग लोग यहाँ पे ऐसे कह के करते यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे बोनफायर यूज करते एंड यहाँ पे जिंदा रहते जोन के अंदर भी बहुत टाइम तक जिंदा रहते। तो कैसे आप लोग भी कर सकते हो अनलिमिटेड बोनफायर कैसे आप लोग भी यूज कर सकते हो इसके बारे में आपको एक्सपीरियंस तो पता चलेगा। तो आप लोग भी कैसे अगर ऐसे करना चाहते हो इंजॉय करना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक देखते हैं एंड लाइक नहीं करोगे जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लो सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए शुरू कर दे तो अनलिमिटेड बॉनफायर यूज करने के लिए सबको क्या करना है सबसे पहले कस्टम के अंदर जाना है एंड जी हाँ कस्टम के अंदर होते हैं आप लोग रैंक के अंदर या फिर अदर कोई मोड के अंदर नहीं कर सकते कस्टम में जाके ही कर सकते हो। तो आपको कस्टम में जाना है एंड इसके बाद गए सबको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक क्रिएट करना है। जैसे कस्टम आप लोग क्रिएट करते हो तो क्रिएट करना है एंड इसके बाद गए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलते हैं ना क्लास कोड का जो गेम मोड का ऑप्शन मिलता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको क्लासिक सेट करना है। यहाँ पे आप लोग क्लास कोड खेलोगे तो इसके अंदर नहीं होगा तो क्लासिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना एंड इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह लगाना हो तो पासवर्ड लगा सकते हो। ओके एंड यहाँ पे जो क्लास कोड है उसके अंदर भी हो जाएगा उसके अंदर भी आप लोग कर सकते हो लेकिन यहाँ पे बैटल रॉयल के अंदर ज़्यादा मजा आता है। तो फुल मैप यानी कि बैटल रॉयल आपको सिलेक्ट करना है एंड इसके बाद आप लोग अगर यहाँ पे पासवर्ड देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है जो भी पासवर्ड डालना चाहते हो डाल देना इजीली एकदम हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे गेम वाले ऑप्शन के अंदर आ जाने एंड इसके बाद सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है एसपी। तो एसपी आपको ज़्यादा रखना है नहीं तो आप लोग किल हो जाओगे बहुत ही इजीली आप लोग यहाँ पे मर जाओगे। अच्छा तो आपको एसपी सिलेक्ट करना है एंड एसपी आपको ज़्यादा रखना है यहाँ पे आपको 500 एसपी सिलेक्ट करना है एंड इसके बाद गाइस आपको ऑप्शन मिलेगा देख सकते हो मूवमेंट स्पीड का। तो मूवमेंट स्पीड को भी आपको ज़्यादा करना है इसको भी ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मूवमेंट कर पाओगे ज़्यादा स्पीड में आप लोग बोनफायर को लगा पाओगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे मूवमेंट स्पीड को ज़्यादा कर देना 200 कर लेना एंड इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा नीचे लिमिटेड डेमो का। तो इसको भी आपको क्या करना है यहाँ पे नो करना है तो यहाँ पे जो नो करने का ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे क्लिक करना। तो याद रखना जो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सबको सबको करना है यहाँ पे याद से करना है। तो यहाँ पे मैं नो करता हूँ एंड इसके बाद नीचे आपको आ जाना है नीचे आपको और भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कैरेक्टर स्किल आपको ऑन ही रखने तो कैरेक्टर स्किल ऑन रखो एंड इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे इस साइड में आ जाना है इस साइड में आपको बहुत से ऑप्शन मिलेगा। तो ईपी आप लोग यहाँ पे 200 सेलेक्ट कर सकते हो तो चलो मैं 200 करता हूँ एंड इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे जो फुल डैमेज होता है या फिर जो एयर ड्रॉप होते हैं दोनों को नो कर देना जिससे अच्छा होगा वो एयर ड्रॉप वगैरह नहीं आएगा। तो फुल डैमेज और यहाँ पे जो एयर ड्रॉप होते हैं नो कर लेना एंड इसके बाद आपको याद रखना यहाँ पे जो लोड आउट होता है यहाँ पे जो नीचे देख सकते हो लोड आउट है इसको आपको ईएसी रखना है नो मत करना गलती से भी अगर नो कर दोगे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे ऐसे बोनफायर वगैरह अनलिमिटेड नहीं कर पाओगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो लोड आउट को कैसे आपको यहाँ पे ईएसी रखना है यहाँ पे ईएस करने का जो ऑप्शन है यहाँ पे कर लेना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जर्व का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे कुछ भी आप लोग कर सकते हो नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड इसके बाद गेम वाले ऑप्शन में आपको जो भी सेटिंग रखना है या फिर इसके अलावा कोई भी और सेटिंग रखना चाहते हो तो आप लोग कुछ और सेटिंग रख सकते हो जैसे आपको जो भी मर्जी फ्रेंडली फायर स्किल ऑफ या फिर जो भी करना चाहते हो कर सकते हो लेकिन जो जो सेटिंग मैंने आपको मेनली दिखाया है ना वो सब सेटिंग आपको वही रखना है मैंने जो रखा है ना यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको ऐसे करके रखना है एंड इसके बाद आपको रूम में जाना है फिर आपको क्रिएट पे क्रिएट करना है एंड क्रिएट करने से पहले गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है आपका जो कैरेक्टर होना है उसके अंदर फोर्ड कैरेक्टर होना चाहिए। फोर्ड कैरेक्टर क्या करता है कि जो आपको डैमेज मिलेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा तो फोर्ड कैरेक्टर आपको लेना है। फोर्ड कैरेक्टर कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाया था सबसे पहले यहाँ पे कन्फर्म करते हैं। चलो अभी मैं आपको कैरेक्टर दिखाया था यहाँ पे फोर्ड कैरेक्टर कौन सा है एंड फोर्ड कैरेक्टर आपको यूज़ करने कस्टम बनने का पहले ही तो कस्टम बनने का पहले आप लोग यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टर ले लेना एंड फोर्थ कैरेक्टर यहाँ पे इस वाले कैरेक्टर है यहाँ पे देख सकते वाला कैरेक्टर को बोलते हैं फोर्थ कैरेक्टर एंड इसको आपको इक्विप करने कोई भी कैरेक्टर लेके खेलो बस इसको इक्विप कर लेना यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड इसके बाद फोर्थ कैरेक्टर आपको मिल जाएगा इसको आप लोग इक्विप कर लेना एंड नहीं भी करोगे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा थोड़ा सा अच्छा हो जाता है आपका जो जोन का डैमेज मिलता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो इसको यूज़ कर सकते हो। ओके एंड इसके बाद चलो कस्टम बनाते हैं आपको यहाँ पे क्या करना है कन्फर्म पे क्लिक करना है एंड इसके बाद कस्टम बना लेना है एंड इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे जो आपका बोनफायर होता है ना इसको यहाँ से यहाँ पे इक्विप करना है। तो आपको लूडर में जाना है यहाँ पे लूडर का ऑप्शन मिलेगा बोनफायर को आपको इक्विप करना है अगर बोनफायर आप लोग नहीं लेते तो बोनफायर आप लोग यूज ही नहीं कर पाओगे तो बोनफायर को यहाँ से इक्विप करना है एंड इसके बाद चलो गेम के अंदर जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ होते हैं कि नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने गेम के अंदर आ चुका मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ एंड इसके बाद गाइस देख सकते हो मेरे पास बोनफायर है 3 बोनफायर है एंड मैं लगाता हूँ एंड देख सकते हो गाइस बहुत सारे बोनफायर आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो यानी ये अनलिमिटेड कर सकते हो जितना मर्जी आप लोग उतना कर सकते हो आपका कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है तो आराम से आप लोग यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मैं अभी जोन के अंदर आ चुकू एंड इसके अंदर गाइस देख सकते हो मैं अभी यूज़ करूँ एंड बहुत सारी यूज़ करूँ देख सकते हो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी लगता है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा आप लोग करना यहाँ पे ट्राई करना यहाँ पे हीलिंग बडल वगैरह ट्राई करना बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टाइप का होते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं रुकना
फर्स्ट टाइम में जो भी जोन बैक आते ना उसके अंदर रुक सकते हो, मजे कर सकते हो, लेकिन इसके बाद जो आपको ज़्यादा डैमेज मिलेगा ना उसके अंदर आपको थोड़ा सा भी नहीं रुकने, आपको एकदम लगातार यूज़ करने। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैं यहाँ पे पानी के अंदर यहाँ पे आग लगा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख सकते हो। एंड ज़्यादा अंदर आप लोग नहीं लगा सकते हो, लेकिन ऊपर ऊपर आप लोग लगा सकते हो, पानी के अंदर भी आग लग जाता है देख सकते हो भाई, बहुत ही अजीब चीज़ है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको थोड़ा सा भी रुकना नहीं है, थोड़ा सा भी रुक जाओगे तो आप लोग यहाँ पे लिमिट हो जाओगे, आपका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, तो यहाँ से आपको लगाने। एंड जैसे आप लोग देख सकते हो मैं अभी लास्ट जोन के अंदर आ चुका हूँ, मतलब जोन वगैरह कहाँ गया मुझे पता भी नहीं है। एंड देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हिल जा रहा है, अभी देख सकते हो भाई कितना छोटा हो चुका था जोन, एंड आपको थोड़ा सा भी नहीं रुक। और मैं यहाँ पे बार बार मैप ओपन कर रहा था इसलिए दिक्कत हो गया था, यहाँ पे मेरा हेल्थ कम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो आपको ऐसा गलती नहीं करने, आपको बार बार मैप वगैरह कुछ भी ओपन नहीं करने, लगातार आपको यहाँ पे यूज़ करने बोनफायर को। तो ऐसे करके गाइस आप लोग अनलिमिटेड बोनफायर यूज़ कर सकते हो कस्टम के अंदर। अच्छा तो चाहो जाके अनलिमिटेड बोनफायर यूज़ करो और मजे करो। तो बस गाइस वीडियो इतना था, आई होप आपको वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद होगा इस वीडियो को जब उसे लाइक करना, एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं करी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, उसके बाद एक बेल आइकन है उसको भी दबा कर सेट कर लेना। तो बाय गाइस, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।